शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये मतलब था कि आखिर आया क्यों है वो वापस? नई फटीक डालने। लेकिन ढोल तो मेरा बजा दिया ना दूसरी पार्टी के सामने। आपको पता है उस चुड़ैल के सामने जाकर गिरा था मेरा गिटार। अच्छा है, मुन्ने को मुन्ना ना समझना। हाँ। अरे बेटा क्यों गए थे आप लोग वहाँ पर? सगे नाना नानी का घर है, खून की कशिश खींच कर ले गई हूँ। अम्मा खून की कशिश हो या कशिश सकल, बेहतर है कि बच्चों तक महदूद रहे, कोई ज्यादती भूला नहीं उनकी। मैं ऐसे रख चकते फट। असली तुम गए अब्बा मियां से और शजी भैया से मिलने? जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है दुश्मनों से मिलने का। ये तो है ही जहर की पुड़िया। मैं तो जरूर जाऊंगी अब्बा मियां से मिलने, मेरे लिए तो दोनों भाई बराबर हैं। अन्ने हाथ बटेरा। मामा ये फूफी को नहीं कैसे कहते हैं? तुमने कहा सुना? नाना ही कह रहे थे बिट्टू आपा को। हुन राम है, आते नया खिताब मिल गया फप्पे कुटनी का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फप्पे कुटनी पड़ गया ना फर्क। ओ चलो मैं आ गई, तुम लोग ही निकलो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। जाओ कमा घरा पे। सुने ये किस जीबरे की खाल उतार के पहन लिया? तुम में अगर थोड़ी सी फैशन सेंस होती ना, ये कार्टून वाली शर्ट ना पहनते। जेलस जीबरा कुटनी। चीनी लेंगी आप? हाँ क्यों नहीं, शुगर तो नहीं है मुझे। आप तो खुद इतनी स्वीट हैं। वाह सलीका में भी रातों रात चेंज आ गया। लगा दिया तुम्हारी शर्ट का बटन। सुने आपके चेहरे पे क्यों 12 बजे हुए हैं? नाराज है मुझसे? मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? वो तायाबा को दुश्मन जो बोल दिया था। दुश्मन तो वो लोग समझते हैं मुझे, साथ जो नहीं दिया था उन लोगों का। आपने उस वक्त जो किया था ना बिल्कुल ठीक किया था। 5 साल से तरस भी तो रही हूँ अपने माँ बाप की शक्ल देखने को। अब तो हर जगह नजर आएंगी उनकी शक्लें, गली में, छत में, आपके ख्वाबों में। बस भाभी आपने ना घबराना नहीं है। ये बताओ कि सच में अम्मी अब्बू को नहीं देखा? अरे यार नहीं मिला, आप रिलैक्स करें, मैं वापस आके बात करता हूँ। लगी तो नहीं? नहीं देखता नहीं है।